हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नाना पाटेकर जो हैं 1819 से ही हिट हीरो की लिस्ट में शामिल है, और उनकी सीरियस एक्टिंग और कॉमेडिक टाइमिंग सब टाइमिंग जो है सब परफेक्ट होती है। और वो अपने रोल को इस तरीके से निभाते हैं कि वो लोग समझ ही नहीं पाते हैं कि वो एक्टिंग कर रहे हैं या रियल में उस जिंदगी को जी रहे हैं। तो फिर से नाना पाटेकर की एक फिल्म आ रही है जो कि अनिल शर्मा लेके आ रहे हैं, और अनिल शर्मा ने ऐसी ही और भी मूवी इमोशन के ऊपर, फैमिली इमोशन के ऊपर बनाई है, जैसे कि अपने तो अपने होते हैं, गदर और गदर पार्ट 2। और इस बार फिर से वो बनवास लेकर आ रहे हैं जिसमें बेटा बाप को बनवास देता है या बाप बेटे को बनवास देता है। ये तो खैर अभी दिखाया नहीं गया है, फिलहाल इसका छोटा सा टीजर आया है जिस टीजर में पहले तो ऐसा लगता है जैसे बनारस का कोई घाट 80 घाट जैसे दिखाया गया है। उसके बाद बाप को दिखाया जाता है कि यानी कि नाना पाटेकर को दिखाया जाता है कि वो बर्फीली जगह पर हैं। बहुत ही अच्छा सीन दिखाया गया है, बहुत ही अच्छा कश्मीर की वादी है ऐसे कुछ दिखाया गया है। उसके बाद दोनों के इमोशन जो हैं बाप और बेटे के सामने आ रहे हैं। बाप जो है बेटे के लिए रो रहा है कि अपने ही अपने को बनवास देते हैं, ऐसा इस फिल्म का जो है नाम है। उसके बाद जो बाप है अपने बेटे को डांटते हुए नजर आता है कि अगर तुम छोटे होते और तुम्हें एक बित्ते के तभी कचड़े में जाके फेंक देते, तो कुछ ऐसा हुआ है बाप के साथ, नाइंसाफी या फिर क्या मजबूरी रही है उस बेटे की, इस फिल्म में दिखाने की कोशिश की गई है। चलिए इस फिल्म के कास्ट के बारे में बात कर लेते हैं। जो पहले एक्टर हैं वो लीड रोल में हैं और इनका नाम है नाना पाटेकर, और इनकी एज है 73 साल। 1 जनवरी 1951 में इनका जन्म हुआ था। और जो अगली एक्टर्स हैं ये हैं खुशबू सुंदर, और इनकी एज है 54 साल। 29 सितंबर 1970 में इनका जन्म हुआ था। और अगले एक्टर जो है उत्कर्ष शर्मा, जो कि गदर पार्ट 1 में भी थे और 2 में भी थे, और ये 30 साल के हैं। 22 मई 1994 में इनका जन्म हुआ था। और जो अगली एक्टर है सिमरत कौर, ये भी गदर 2 में थी उत्कर्ष शर्मा के अपोजिट, और ये 27 साल की हैं। 16 जुलाई 1997 में इनका जन्म हुआ था। और अगले एक्टर हैं राजपाल यादव, यानी कि कॉमेडी कन्फर्म हैं इस फिल्म में, और 53 साल के ये हो चुके हैं। 16 मार्च 1971 में इनका जन्म हुआ था। और राजपाल यादव है यानी कि कॉमेडी है, सीरियस फिल्म भी है ये बाप बेटे को के ऊपर लेकर, लेकिन राजपाल यादव का होने का मतलब है कि ये फिल्म फनी टाइप भी होने वाली है। तो चलिए फ्रेंड, आज की वीडियो में इतना ही। आज का हमारे वीडियो आपको कैसा लगा कृपया कमेंट करके जरूर बताएं।